ओम शांति। बाप तो आकर हमको विश्व का मालिक बनाते, कितना फायदा है। बाकी मून में जाओ, छू मंत्र से भभूत आदि निकालो, इससे फायदा क्या बता दो, क्या फायदा है? अगर वो भभूति भी निकाल दी, क्या फायदा होगा? चांद पे भी आप चले गए, क्या फायदा होगा बता दो, फायदा बता दो। याद करोगे, विक्रम विनाश होंगे, पुण्य आत्मा बनोगे, भविष्य भी सुधारोगे, वर्तमान भी श्रेष्ठ होगा, ड्रामा प्लान अनुसार नहीं, अपने कर्मों अनुसार सब कुछ देखोगे, कितना फायदा है। दर दर के धक्के नहीं खाओगे, इतनी बुद्धि आ जाएगी, माना रोशनी मिल जाएगी, अंधेरा कहीं नहीं दिखाई देगा। अब रोशनी में तो हर चीज स्पष्ट नजर आती है, अंधेरे में तो पास पड़ी चीज भी नजर नहीं आती, उससे भी गिर सकते हैं। तो बाकी मून में जाओ, छुमंतर से भभूत आदि निकालो, इससे फायदा क्या? अब तो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते, कल्प कल्प लेते आए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है। दुनिया में पहले सिर्फ भारत था, अब भारतवासी विश्व के मालिक थे। अब देखो, आप शरीर छोड़ेंगे, अगला माना आपका बर्थ कहाँ होगा, कैसे होगा, वो तो चलो आपको कहानी सुना दी, लेकिन कलयुग में ही हो रहा है या सत्युग में आंख खुलेगी तो देखना तो पड़ेगा ना। अब वो कौन से समय में आंख खुल रही है, मान लो ऊपर जाके लटक ही गए और द्वापर कलयुग के बीच में आ रहे हैं और पता लगे घोड़े चल रहे हैं और दौड़ रहे हैं घोड़े, इधर युद्ध उधर युद्ध, और बस किस समय आंख खुलेगी, क्योंकि शरीर तो सबका छूटता है ना। है कोई ऐसा जिससे अभी तक कहा मेरा तो 200 वर्ष हो गए अभी तक तो शरीर है मेरे पास? नहीं है ना, वो तो सबका सबका छूटता है। ये तो प्रकृति का नियम है कि आपने ये शरीर लिया है, इसने छूटना है, ये प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति का नियम ये भी है कि अभी कलयुग है, कल सत्युग तो आना ही है, तो जब सत्युग आएगा तो क्या मैं आत्मा सत्युग में जाऊंगी? उसके लिए अभी पुरुषार्थ का समय है, संगम, जिसमें हमारे को प्राप्तियां होंगी। आज वर्तमान में भी प्राप्तियां और भविष्य में भी प्राप्तियां, अगर भगवान का कहना मानते हैं तो ओके, वरना तो धन दौलत की पिछाड़ी आप टू मच लगे रहो, कभी उसका अंत नहीं हो सकता। एक महल बनाओ, दो चाहिए, एक गाड़ी लो, दो गाड़ी चाहिए, इतना धन कमाओ, इतना और चाहिए, कभी अंत है? है। अगर मान लो आपने कमा के रख भी दिया और जो पीछे खर्च करने वाले उन्होंने दो दिन में उड़ा देना, और दो दिन में उड़ाने की बहुत सारी एक्टिविटीज आपको सब पता है, बुद्धि भ्रष्ट होते देर नहीं लगती। आपने लग लग के खून पसीना एक करके कमा भी लिया, तो वो कमाई आपके साथ तो जाने से रही, कमाई तो आपकी वही जाएगी जो आप आज कमाएंगे संगम पर। धन की कमाई किसी के साथ नहीं जाती, कभी गई है? कभी गई है? तो फिर अगर जाती होती तो फिर तो सबके साथ जाती। चाहे आज आप करोड़ों कमा लो, लेकिन ये वाला करोड़ों कमाया हुआ आपके साथ बिल्कुल नहीं जाना। जाना है तो पुण्य करो, वही साथ जाएंगे, वही वहां पे ट्रांसफर होके, माना अगर आप ज्ञान रतन बांटोगे तो यही ज्ञान रतन ट्रांसफर होके आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, पर जल्दी से समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो टाइम ही नहीं हाथ आता। बताओ भाई कितनी तकलीफें हैं, नहीं? और मनुष्य भागता जाता है। ओके, तो साथ क्या जाएगा, साथ क्या नहीं जाएगा, ये इंसान को पता होना चाहिए, इस पे भी मंथन करके देख ले वो। तो अब तो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते आए हैं। माना वर्षा, माना अगर आपका जन्म ही इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में हो तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना, और आपका जन्म ही अगर ऐसे झोंपड़ी में हो तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो झोंपड़ी में तो नहीं होना चाहिए भाई। आपको चाहिए मैल तो अपना जीवन सुधारो, आने वाले समय में विनाश तो होना ही है और परिवर्तन तो होना ही है, कलयुग से सत्युग आना ही है, शरीर तो छूटना ही है, तो क्या साथ लेके जाएंगे? तो दुनिया में पहले सिर्फ भारत ही था, भारतवासी ही विश्व के मालिक थे, वहां देवताओं को कोई खंड का मालूम नहीं रहता कि हम भारत खंड में रह रहे हैं और वो उधर दूसरा खंड है, ऐसे नहीं पता रहता उन्हें, ये तो बाद में वृद्धि को पाते हैं। नए नए धर्म स्थापक आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, बाकी वे कोई सदगति को तो नहीं करते हैं, सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं।
ओम शांति।